जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम लोग घर नहीं लौटेंगे। अरे जामिया में खून बहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? जामिया में खून बहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? दिल्ली पुलिस जामिया खाली करो, दिल्ली पुलिस जामिया खाली करो। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट को रिहा करो। जो लोग दिल्ली में सो रहे हैं वो यहाँ है हेडक्वार्टर। आप लोग रजाई में सोगे तो काम नहीं चलेगा। तो जो लोग दिल्ली में सो रहे हैं वो लोग यहाँ आए। हम सब लोग यहीं पुलिस हेडक्वार्टर पे डटे हुए हैं। हम यहाँ शहीद हो जाएंगे लेकिन यहाँ से भागेंगे नहीं। तो मेरे साथियों से मेरा निवेदन है कि वो पहुँचना स्टार्ट करें। पूरे देश से जो लोग साथी हमारे हैं वो लोग पहुँचना स्टार्ट करें। हम दिल्ली में आज भी डटे और कल भी डटे। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम लोग घर नहीं लौटेंगे। हम अपने मुल्क को टूटने नहीं देंगे। तो मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि जहां तक मैसेज पहुंच रहा वो लोग जो दिल्ली के हैं वो पहुंचे अभी, और जो और साथी वो चले और कल दिल्ली पहुंचे। कल दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग 4 बजे इंडिया गेट पर। अभी भी देखिए हजारों की तादाद में लोग यहाँ हैं। करो साथियों से अपील कि आए निकल के घर से बाहर। वो माइक का है, माइक उसमें बोलो, माइक में बोलो। देश को बचाने के लिए और हमारे मासूम स्टूडेंटों को जो मारा गया है उनके उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनका साथ देने के लिए जो लोग अपने घरों पर बैठे हैं और लिहाज में वो कंबलों में और खड़े हैं और डटे हुए हैं। आप सबको यहाँ आना होगा, अपनी एकता को दिखाना होगा कि हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। बिल्कुल मोदी हमसे डरता है, आइए हमसे डरता है, निकलिए घर से बाहर। ये मुल्क को बचाने की लड़ाई है, बार बार नहीं। हमारे लोगों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को, हमारे मुसलमान भाइयों को इस तरीके से मारा गया, इस तरीके से आज बहुत ज्यादा लोग क्रिटिकल है, हॉस्पिटलों में एडमिट है। तो आज ये समय है, आप घर में ना रहें, कमरों से बाहर निकले, बाहर आए, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर आए। आज यहाँ पूरी जनता है, तमाम बहुजन समाज है इकट्ठा हुआ है, आप यहाँ पे आए और हमारा समर्थन करें। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि ये भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और रात का 1 बजा है, पूरा मुल्क जाग रहा है। जामिया में बहनों को पीटा गया, लेकिन मोदी जी सो रहे हैं और यहाँ का कमिश्नर सो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ बदल दो, ताज बदल दो। हाथ बढ़ाओ,
एक्ट बदल दो, ताज बदल दो। ये जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 है ना, इसको खत्म किया जा रहा है। विधि के समक्ष सबको समता है, बराबरी है। भारत के सभी व्यक्तियों विधि अर्थात कानून समक्ष समानता का, सभी कानून के समान अधिकार है और धर्म मूलभूत जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह आर्टिकल 14 और 15 कहता है। सरकार को समझ नहीं आ रहा, सरकार जागे। जय भी